हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ घर पर गुलाब जल को बनाने का तरीका। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। गुलाब जल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसे हम अपनी खूबसूरती और सेहत से रिलेटेड चीजों में यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर पर गुलाब जल बनाने का तरीका, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके और आप इसे अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सके। तो चलिए जान लेते हैं गुलाब जल को बनाने के तरीके के बारे में। सबसे पहले आप कोई भी एक बड़ा बर्तन लें और उसके अंदर 2 कप पानी और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें और उस बर्तन के अंदर ही एक स्टैंड को रख दें और उस स्टैंड पर कोई भी एक छोटा बर्तन रख दें। फिर आप इस पर एक ढलावदार ढक्कन को रखकर उल्टा ढक दें और फिर गैस को जला दें। अब आप ढक्कन में थोड़े से आइस के टुकड़े डालें। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि जो बर्तन में भाप उठेगी वो उससे टकरा कर ठंडी होकर उस छोटे बर्तन में जाकर इकट्ठा हो जाए और वो जो बर्तन में इकट्ठे होते हुए जो पानी होगा वही हमारा गुलाब जल होगा। इसे आप धीमी आंच पर 20 मिनट तक के लिए पका लीजिए और 20 मिनट के बाद ठंडा करके आप इस छोटे बर्तन को आराम से निकाल लीजिए। ये जो छोटे बर्तन में पानी है ये हमारा प्योर गुलाब जल है। इसे आप एक कंटेनर में भर कर रखें और जब चाहे तब इसे लगाइए और पाइए अपने स्किन को गुलाब जैसा गुलाबी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।